अब बताओ कैसी आ रही आवाज मेरे को आपकी? साफ आ रही है, एक सेकंड और भगाता हूँ। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो लाडलो? बहुत टाइम से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट पीछे आवाज़ आगे आवाज़, आपको तो पता ही है अगर पुराने लाडले हो तो। सो, एक तो मैंने नेक्स्ट राइड के लिए ये मंगाया, मास्क है, फेस मास्क है, पूरा कवर हो जाता है। स्पीति राइड में तो भरा भाई बहुत काला हो गया था, बहुत ढीला सा मास्क था, बहुत ही गंदा भेड़ा सा, तो ये मंगाया, काफ़ी अच्छा है, पूरा फेस कवर हो जाएगा, पहन के नहीं दिखाने वाला, खराब हो जाएंगे। तो आज हम एक ब्लूटूथ अनबॉक्स करेंगे, मेरी नेक्स्ट राइड पे मैं यूज़ करूँगा। ये पहले वाला इंटरकॉम है और ब्लूटूथ जो कि इस हेलमेट में लगा हुआ है। इसका भी रिव्यू देता हूँ और जो नया लगाऊंगा उसका भी रिव्यू क्विक देता हूँ। तो पहले मेरे पास ये इंटरकॉम था, राइडर मल्टीपल इंटरकॉम। ये ब्लूटूथ और इंटरकॉम एक साथ है, 2 महीने हो गए इनको मंगाए हुए। क्या करें, फिर मैं राइड पे था, वीडियोस बना रहा था तो टाइम नहीं मिला, तो फर्स्ट टाइम अनबॉक्स हो रहा है। ये सिंगल इंटरकॉम आया है, अगर आप 2 ऐसे इंटरकॉम लेते हो तो साथ में इंटरकॉम कनेक्ट भी कर सकते हो, ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हो। MP3 है, GPS है और मोबाइल से बात कर सकते हो इंटरकॉम के थ्रू। वाटर प्रूफ है ये, तो चलो अनबॉक्स करते हैं। ये मैंने मंगाया है banggood.com से और ये हमारा आ गया इंटरकॉम, इसको साइड में रखते हैं। ये चार्जर और ये हमारा आ गया माइक और 2 इसके स्पीकर और ये चार्जिंग केबल, बस खाली। और ये मैंने मंगाया banggood.com से, जिसमें मैं हमेशा मंगाता रहता हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट मैं मंगाता हूँ और मैंने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर रखी है, तो बहुत सारी चीज़ें मंगाई है मैंने। लिए मैंने वो शूज़ के नीचे ग्रिप मंगाई थी, वो भी मेरा GoPro का माइक, मेरा GoPro का माउंट जो लगा हुआ है, माइक हो गया, फर हो गया, बहुत सारी चीज़ें, और जो बेनेली में शीशे लगे हुए साइड के, वो बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं मैंने आज तक। तो अभी इसको इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें, बिकॉज इसमें मैंने ये हेलमेट मैंने अपनी स्पीति राइड पे यूज़ किया था और इसका रिव्यू ये है कि जो प्राइस में ये मिलता है वैल्यू फॉर मनी है। बट तो इसका एक डिसएडवांटेज है, ये पैडिंग है, ये निकलती है अपने आप, पता नहीं इसी हेलमेट में निकल रही है या फिर हर हेलमेट में निकलती है, मुझे नहीं पता। पैडिंग बहुत ज़्यादा ढीली है तो बाहर निकलती है, बट मैं इसको ही यूज़ करूँगा बिकॉज इसमें एक तो ये सनग्लास लगा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं होती धूप वूप की, तो मैं इसको ही यूज़ करूँगा। और ऊपर से इसके अंदर विंड ब्लास्ट नहीं आ रहा था, बहुत कम आ रहा था, इसमें ज़्यादा आ रहा था सोल में। तो ये सिर्फ 5,000 रुपये का हेलमेट और ये 6,000 रुपये का हेलमेट, उसके बाद इसमें सन ग्लास भी है और डिज़ाइन तो दोनों के ही अच्छे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इंटरकॉम लगाएंगे इसके लेफ्ट साइड में और देखते हैं कैसा रहता है, और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो इस हेलमेट में एक चीज़ और देखी मैंने, स्पेशल स्पीकर लगाने की जगह दे रखी है यहाँ पे और इसमें छेद भी कर रखे ताकि आवाज़ क्लियर आए। देखते हैं क्या कुछ रहता है, इसको आसानी से पैडिंग हट जाती है इसकी, बिल्कुल ईजी। तो एक स्पीकर यहाँ लगा है और ये माइक की, मतलब यहाँ पे माइक के लिए टेप थी तो यहाँ पे उतार के यहाँ लगाया ये माइक यहाँ, और माइक घुमा के यहाँ पे लेके आया हूँ और एक यहाँ पे, तो परफेक्टली जुड़ चुका है। और मैं अब इस पे लगा देता हूँ इसकी पैडिंग और फिर करते हैं इसको चेक। तो सेटअप पूरा रेडी हो गया मेरा, जो इसका सेटअप है, इसके अंदर नीचे वेलक्रो लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप है और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है।
और फिटिंग प्रॉपर आई है। और मैंने अभी इसकी साउंड चेक की थी, MP3 प्लेयर चला के भाई साहब जबरदस्त साउंड आ रही थी। अभी फ़िलहाल इसको ऑडियो टेस्ट करते हैं हाई स्पीड पे। नया माउंट लगाया 3mm की टेप से, उतर ना जाए इसकी मजबूती पकड़ बनाने के लिए तो मैंने डक टेप लगा दी। डक टेप हर जगह यूज़ करता हूँ भाई साहब, हर जगह डक टेप यूज़ कर रखी है देखो। तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर जहाँ पे मैंने लगाई है मेरा माइक वाइक वहाँ भी डक टेप लगी हुई है। चलो आज इस पे टेस्ट करते हैं माइक। और माइक भी नया है, इसका सेटअप भी चेक हो जाएगा, इसका भी चेकअप हो जाएगा क्या कितनी स्पीड पे विंड ब्लास्ट आ रहा है नहीं आ रहा। चलो लेट्स गो। और वन टच फ़ोन उठ जाता है इधर से ही। और ये वॉल्यूम के बटन है इसके, और ये ऑन ऑफ का, बस परफेक्ट है। लेट्स गो। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये मेरा दूसरा राउंड है। इससे पहले भी मैं एक बार चेक कर चुका, साउंड बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन क्या करें GoPro में साउंड ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिना माइक अडेप्टर के मैं वीडियो बना रहा हूँ, लग गए मेरे तो। अब मैं दोबारा आया हूँ, दोबारा फिर चेक करूँगा। अब मोटो व्लॉगिंग इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की गालियाँ खाते हम। अब जैसे मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखे, राइडिंग गियर नहीं पहन रखे, 1 किलोमीटर के लिए मैं राइडिंग गियर निकालूंगा तो अजीब सा लगेगा। हेलमेट तो पहनना ही होता है, हेलमेट तो कहीं जाओ। तो मैं पहले आपको दिखा दूं कि बैंगवुड कितनी ट्रस्टेबल है। मैं इसको शायद 2 साल, पता नहीं 1 साल, मैं अभी कंफर्म करता हूं कब से यूज़ कर रहा हूं मैं इसको बैंगवुड। ओ नेट नहीं चल रहा, माई ऑर्डर। तो पिछले मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 2017 से यूज़ कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन को। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ हो। बट आप पेमेंट करो तो पेपाल से करना, मुझे नहीं पता, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, बट मैं जो करता हूँ वही बता रहा हूँ आपको। चलो फ़ोन लगाया अब दोबारा से, बस आवाज़ सही आ जाए, शायद सुन रहा होगा आपको अभी। तो स्पीकर माइक का गैप बहुत ज़्यादा है, अब पता नहीं कितनी आ रही हुई आपको। हेलो, हाँ मम्मी, दूसरा ट्राई। पहले आवाज़ क्लियर आ रही है ना, तो एक सेकंड। अब बताओ कैसी आ रही आवाज मेरे को, आपकी साफ आ रही है। एक सेकंड और भगाता हूँ, अब कैसी आ रही है? हेलो, ठीक है, बाहर की साउंड नहीं आ रही है। आपको तो आ सकती है बट मुझे नहीं आनी चाहिए क्योंकि माइक। अच्छा ठीक है, आपको सही आ रही है आवाज, मेरे को सही क्लियर सुन रहा है आपकी आवाज। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, तो यार ये दूसरा ट्राई था जब मैंने चेक किया है कि कितनी स्पीड पे इसकी साउंड अच्छे तरीके से सुनती है अंदर। अभी मैं आपको सुना देता हूँ, उसकी म्यूज़िक क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि कॉपीराइट आ सकता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसी आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई वाह। मेरे को तो देखो सुन के मज़ा आ गया, आपको पता नहीं कैसा सुना होगा। ए भगवान, अब की बार माइक में से आवाज़ ना जाए। तो आप कभी भी अगर बैंगलोर से मंगाते हो, 2-3 शिपिंग होती है, मुझे पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, जब मंगाओ उसे पूछ लेना इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। इंडिया राइडर अमित के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, तो मैं आपको बता दूंगा कौन सी शिपिंग कोरियर से मंगाना। आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपके पास पैकेट डिलीवर हो जाता है। और साउंड आपने देखी ली, ज़बरदस्त आ रही है, स्पीकर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। इससे पहले वाला मेरा जो इंटरकॉम था, हालांकि उसमें बार बार उसका जो
इंटरकॉम से वायर था वो हिलता रहता था, आवाज़ ख़राब होती थी, ऊपर से ज़्यादा आवाज़ करने पर फटती थी आवाज़। इसमें बिल्कुल भी नहीं फट रही, मैंने प्रॉपर चेक किया है इसको, पूरी साउंड पे मतलब पूरी लाउड में गाना चलाया। वो मेरी बारी आ गई, ओए ग्रीन है जब जब कर रही है। ये देखो ऑटो वाला पहले ही निकल लिया, स्कूटी वाला भी पहले ही निकल लिया, अब इनका कौन चलान काटेगा भैया। तो ठीक है यार, आज की वीडियो में कुछ गलती वलती की हो तो सॉरी। तो तुम्हारा जैसा भाई है वैसा ही शो करता है। मैं यहाँ लोकल राइडिंग गियर पहन के नहीं घूमता ज़्यादातर, और चलाता 50-60 की स्पीड हूँ, वो तो आपको दिखाने के लिए टेस्ट करना पड़ा। और मेरा दोस्त भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है तो मुझे पता है कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आपको बाय करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप बाय कर लेना। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, क्वालिटी सब कुछ ज़बरदस्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। जोंबी आंटी जी कितनी प्यारी आंटी थी ना, बस इनकी हरकतों की वजह से किसी दिन ये चली ना जाए। रोड क्रॉस करो भाई, देख के करो, किसी और पे भरोसा करोगे तो किसी ना किसी दिन तो धोखा खाओगे ही। गुड नाइट, बाय, लव यू। हाँ।